नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मकान मालिक ने तत्काल प्रभाव से पुलिस को घटना की सूचना दी। जगदीशपुरा ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी। आगरा थाना जगदीशपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद। आए दिन अलग अलग क्षेत्रों में देते हैं चोरी की वारदातों का अंजाम। बंद मकान में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे में चोरी की वारदात का किया खुलासा। घर से चोरी लाइसेंसी बंदूक, टेवी पीली, सफेद धातु के आभूषण बरामद। खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी सिटी ने 25,000 का दिया इनाम। घर पर ताला लगाकर भोपाल अपने बेटे के यहां गया था दंपत्ति। जगदीशपुरा का ही रहने वाला है। पकड़ा गया अभियुक्त रितेश सिंह और शम्मी। थाना जगदीशपुरा पुलिस की पैनी नजर से नहीं बच सके चोर। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का मामला। संवाददाता असलम अली की रिपोर्ट। तो देखिए, कल दिनांक 18 जुलाई 2024 को थाना जगदीशपुरा में एक वादी के द्वारा ये सूचना दी गई कि वो अपने बेटे के यहाँ भोपाल रहने गया था और जब वापस आकर उसने देखा तो घर में चोरी की घटना हो गई थी। और इस सूचना पर तत्काल थाना जगदीशपुरा में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसीपी लोहा मंडी के नेतृत्व में टीमें लगा दी गई घटना के सफल अनावरण के लिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग बहुत ही कम अवधि में 24 घंटे के अंदर जगदीशपुरा पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण न केवल किया है बल्कि पूरी घटना में जो चोरी गया हुआ सामान था उसकी 100% बरामदगी हुई है। सारी ज्वेलरी सोने और चांदी की जो गई थी उसको बरामद किया गया है। सारा जो सामान गया था, बर्तन गया था, उसको बरामद कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ एक लाइसेंसी राइफल वादी की उसके घर से चोरी हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त जो चोरी करने वाला रितेश उर्फ शम्मी है उसको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इस पुलिस टीम को इस गुड वर्क के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।